हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। ये वीडियो सभी ऑफ स्पिनर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफ स्पिनर्स की ग्रिप क्या होगी और कैसे अच्छे एक्शन से ऑफ स्पिनर बॉल डाल सकते हैं, कैसे अपना एक्शन ठीक करें। बहुत बेसिक बातें बताऊंगा आज। अगर आप ऑफ स्पिनर हो तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी स्पिनर्स के लिए, तो वीडियो एंड तक देखना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफ स्पिनर की ग्रिप के बारे में कि बॉल कैसे पकड़ना है स्पिनर्स को, जो ऑफ स्पिनर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये दो उंगली आपने देखी है तो आपको सिर्फ ऐसे ग्रिप करना है, पूरा बॉल के बीच में होना चाहिए, ऊपर है, आप देख सकते हो ये, और ये आपकी सीम है, दोनों सीम के ऊपर, और आपका पाम टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ऐसे करना है, पाम देखो खुला हुआ है, और ये आपका सपोर्ट के लिए होगा, इससे आपको सपोर्ट करना है। ये बेसिक है बिल्कुल, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ सिंपल ये और ये ऑफ स्पिनर की ये। अब आपको बताऊं इसके लिए क्या करना है, जितना आप इसको रोल करोगे उतना अच्छा आपका टर्न होगा। स्पिनर अगर आपको बनना है, अगर आपको ऑफ स्पिनर बनना है तो आपका टर्न घूमना चाहिए, पढ़ के अंदर आना चाहिए तगड़े वाला, जब जाके आप स्पिनर कहलाओगे। आपका अगर बॉल सीधा जा रहा है तो मजा नहीं आएगा। तो होगा कैसे टर्न, अभी मैंने बता दिया, ऐसा आप जितना अच्छा ग्रिप करोगे और फिर ये आपके सपोर्ट के लिए ये टच नहीं होना चाहिए, और आपको जितना अच्छा रोल करोगे, जितना अच्छा फिंगर्स रोल करोगे उतना अच्छा आपका टर्न होगा, पढ़ के अंदर जाएगा। सबसे जरूरी बात, अब आपको मैं एक्शन बता दूं, एक्शन कैसे लेना है, आप रनअप कैसे लोगे। तो गाइज रनअप का क्या करना है आपको, गाइज ये मैंने सेटअप लगाया हुआ है पूरा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको स्पिन करनी है। ये फ़ोन आप मेरी वॉइस सुन रहे हो तो फ़ोन वॉइस रिकॉर्ड करेगा, इसलिए फ़ोन रखता हूँ हाथ में, बहुत भाई क्वेश्चन पूछते हैं। तो रनअप के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप जितना अपना रनअप रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको सिंपल जंप करना है, ये यहाँ पे आपका लेग लैंड होगा, जब आप जंप के बाद लैंड करोगे इस एरिया में, ये आपको यहाँ पे मार्क करना है हमेशा। उसके बाद आप 5 या 6 कदम का अपना रनअप लेंगे, ज़्यादा लंबा आपको रनअप नहीं लेना है स्पिन में। आप यहाँ से 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका हो गया है, यहाँ आप मार्क कर सकते हो। और गाइज आपको रनअप के दौरान ध्यान क्या रखना है, हमेशा अपना रनअप स्लो स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में आपको कभी भी तेज स्टार्ट नहीं करना है। आप पहले 2-3 कदम अपना स्लो रखो, उसके बाद आप जितना स्टंप के पास आओगे उस टाइम थोड़ा अपना बॉडी तेज ले जा सकते हो, क्योंकि कंफर्ट ज़्यादा महसूस होगा उस टाइम। अगर पहले ही आप तेज रख दोगे तो आगे आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे आके जंप करोगे, ऐसे साइड ऑन रखनी है आपको, बॉडी आपकी साइड ऑन होगी, आपको बैट्समैन यहाँ से देखना है अपने शोल्डर से, और आपका ये साइड ऑन, ये लेग भी आपका साइड ऑन होगा, क्योंकि टर्न गाइज उससे आपको ज़्यादा मिलेगा जितना आप साइड ऑन रखोगे। अगर आप ऐसे डालोगे तो आपको टर्न नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफ स्पिनर हो तो हमेशा ट्राई करो अपना साइड ऑन रखो, ऐसे यहाँ से देखना है आपको। और आपको लेग की मूवमेंट बताऊँ, आप जब ये लेग आपका लैंड होगा यहाँ पे तो हमेशा आपको लेग स्लिप ऐसे लैंड करना है, आपको कभी भी खोल के लैंड नहीं करना है। जब आपका ऐसे ये आपका लेग लैंड होगा तो ये ऐसे लैंड होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद घूमेगा गाइज ऐसे, फिर घूम के ये जाएगा अपना फर्स्ट स्लिप की साइड, ऐसे घुमाना है, ये ध्यान रखना है। स्पिनर्स क्या करते हैं अपना ऐसे ही लेग डाल देते हैं, तो गाइज वो टर्न करने का मोमेंटम नहीं मिलता, मोमेंटम पहले ही डाउन हो जाएगा। जब आपका लेग ऐसे पड़ेगा तो बॉडी पहले ही खुल जाएगी, तो ध्यान रखना है जब आप यहाँ से लैंड करो तो ये आपको लैंड करना है और ऐसे, और पीछे से पैर भी आपका उठ के आएगा ये वाला। जब ये करोगे आप यहाँ से लैंड, ये ध्यान रखना है हमेशा, ये आपका ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे टर्न होगा ये, जितना अच्छा ये टर्न करोगे उतना अच्छा बॉल भी आपका टर्न होगा, ग्रिप भी अच्छा होगा, क्योंकि बॉडी आपके हैंड के साथ जाएगी, ऐसे मूव करेगी, उतना अच्छा टर्न होगा। अभी मैं आपको एक ड्रिल बताता हूँ, अगर आपका एक्शन थोड़ा ख़राब है और स्पिनर अभी ड्रिल बताऊँगा कैसे आप एक जगह खड़े होकर अपना ड्रिल कर सकते हो। ड्रिल में भी आपको यही करना है, लैंड ऐसे करना है और बॉडी साइड ऑन करनी है, और फिर सामने से लेग उठ के आएगा, फिर आपको ये पोजीशन करनी है। गाइज ये सभी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑफ स्पिन डालना है। अगर आपकी बॉडी साइड ऑन नहीं आती है, आपका लेग ऐसे नहीं पड़ रहा है, तो ये वीडियो से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको ड्रिल बताऊँगा और ऑफ स्पिनर वेरिएशन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल बेसिक बताया, तो ये बेसिक आप अपने इम्प्रूव कर लो। और गाइज ड्रिल जरूर देखना, अभी ड्रिल डालूंगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर रिपीट कर देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको टर्न चाहिए और आपको अच्छा बॉल डालना है, अच्छा एक्शन बनाना है, अगर आपका अच्छा एक्शन नहीं है तो गाइज इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। जब आप ट्रायल दोगे या अपना डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेलोगे, जिसमें भी आप खेलोगे, तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अपना अच्छा एक्शन बनाओ अगर अभी आप बिगनर हो, अभी आप क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हो। तो गाइज अभी ड्रिल की तरफ चलते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। तो गाइज जो मैंने आपको अभी ड्रिल दिखाया सेम आपको भी ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग में आप 50-50 के सेट निकालो
और जितना ज़्यादा आप करोगे उतना एक्शन आपका बन जाएगा। तो ड्रिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्शन बनाना है स्पिनर के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, क्रिकेट विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।